सो हेलो फ्रेंड, तो आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि बॉयलर इंटरलॉक और उसके प्रोटेक्शन से है। तो इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाया था जो कि एबीसी बॉयलर इंटरलॉक और उसका प्रोटेक्शन से रिलेटेड था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो सीएबीसी का जो बॉयलर इंटरलॉक और प्रोटेक्शन होता है वो क्या होता है और क्यों दिया रहता है, क्या क्या इंटरलॉक दिया रहता है, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय बिताए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सीएबीसी बॉयलर इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन, तो देखिए सीएबीसी बॉयलर क्या होता है ये हम लोग कई सारे वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। सीएबीसी से रिलेटेड बहुत सारे जो टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग मेनली समझेंगे इंटरलॉक और प्रोटेक्शन के बारे में। तो देखिए इंटरलॉक होता क्या है, इंटरलॉक का मतलब होता है आपस में कनेक्टिविटी बना के रखना, आपस में कनेक्ट होना। जैसे दो चीज़ें आपस में कनेक्ट है तो उसी को इंटरलॉक कहा जाता है। और प्रोटेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को सुरक्षा देना। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि इंटरलॉक होता क्या। जैसे बचपन में आपने एक कहानी सुना होगा या देखा भी होगा कि एक जो राजा था उसका जान जो था वो एक तोते में बसता था, यानी कि तोते को अगर कुछ होगा तो राजा का भी जो जान है वो चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो राजा का जो जान है वो तोते की जान से इंटरकनेक्टेड है, इंटरलॉक है। यानी कि अगर तोते को कुछ किया जाएगा, यानी तोते को मार दिया जाएगा तो राजा भी मर जाएगा, लेकिन अगर राजा को कुछ किया जाएगा तो तोते को कुछ नहीं होगा। ओके, और इस तरह से राजा ने क्या किया था, अपने आप को एक प्रोटेक्शन दिया था, अपने जान की सुरक्षा की थी, तो उसी को प्रोटेक्शन कहा जाता है। जैसे आप मोबाइल वगैरह में आप क्या करते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं। इसका मतलब क्या किया, आपने अपने मोबाइल को सुरक्षा दिया, प्रोटेक्शन दिया, अपने डाटा को प्रोटेक्शन दिया। ठीक है, तो वही चीज होता है इंटरलॉक और प्रोटेक्शन। बाकी इसको हम लोग सीएबीसी के रिस्पेक्ट में कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज द सिस्टम विच हेल्प टू सेफ स्मूथ एंड रिलायबल ऑपरेशन ऑफ बॉयलर। ये एक क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है, ये कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है, ये एक सिस्टम है, ये एक लॉजिक है जिसके द्वारा हम लोग अपने बॉयलर को सेफ, रिलायबल और स्मूथ ऑपरेशन करने में ये हेल्प करता है। ओके, साथ में ये प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से, कि हमारा बॉयलर में अगर कोई ऑपरेशनल फॉल्ट हो जाए तो वो उससे प्रोटेक्ट करता है। कोई अगर मान लीजिए डैमेज होने का खतरा होता है तो वहाँ पर वो हेल्प करता है। साथ में अगर कोई एक्सीडेंट ना हो जाए इसके रिस्पेक्ट में भी वो उसको रिस्पेक्ट करता है, इस लॉजिक के जरिए, इस सिस्टम के जरिए। जैसे कि आपने देखा है कि बॉयलर के ड्रम लेवल पर, यानी लो लेवल अगर चला जाए ड्रम का, तो हमारा बॉयलर जो है पूरी तरह से ट्रिप हो जाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, ये हमारे बॉयलर की सेफ्टी के लिए ही है। उसे ट्रिप अगर नहीं करवाएंगे तो क्या होगा कि आपका जैसे ही वाटर जो है वो खत्म हो जाएगा, ड्रम लेवल लो चला जाएगा, तो आपका बॉयलर जो है पूरा वाटर वाल जो है वो स्टार्वेशन में चला जाएगा, जिसके वजह से ओवरहीट के कारण वो क्या होगा कि वो ट्यूब डैमेज हो जाएंगे, तो आपका एक ह्यूज लॉसेस हो जाएगा। तो उस लॉसेस से बचने के लिए एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है ताकि जैसे ही ड्रम लेवल लो चला जाए तो हम अपना ड्रम लेवल जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो बंद हो जाए, ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाए, सारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपने ये भी देखा है कि जैसे आपका फर्नेस ड्राफ्ट जो होता है वो अगर ज़्यादा अगर हाई चला जाए तो भी आपका जो बॉयलर है वो ट्रिप हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर नहीं दिया रहता तो क्या होता, तो आपका फर्नेस जो है वो इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता कि वहाँ पर एक्सप्लोजन होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है, तो उस केस में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो उस डेंजर एक्सीडेंट से बचने के लिए ये इंटरलॉक और प्रोटेक्शन जो है वो काफ़ी मददगार होता है, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इंटरलॉक और प्रोटेक्शन दे देने से चाहे बॉयलर हो चाहे उसके इक्विपमेंट्स हो, वो सभी जो होते हैं वो सेफली रहते हैं, सेफ रहते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी डैमेज होने का खतरा या एक्सीडेंट होने का खतरा जो होता है वो नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सीएबीसी बॉयलर होता है उसके हम लोग रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि उसका इंटरलॉक और प्रोटेक्शन क्या है। तो सबसे पहली बात कि सीएबीसी बॉयलर में कौन कौन से ड्राइव यूज किए जाते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि दो आईडी फैन यूज किया जाता है, दो आपका जेसिल ब्लोअर यूज किया जाता है, या कहेंगे इसको वाल्सिप ब्लोअर या आपका रूट ब्लोअर भी कहा जाता है। साथ में आपका दो SFN, दो PFN और आपका DCF जो है वो रिक्वायरमेंट के अनुसार हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है या चार पांच भी हो सकते हैं। तो ये जो इक्विपमेंट होता है ये मेनली आपका जो सीएबीसी बॉयलर है वो यहाँ पर यूज होता है। और ये जो सभी जो ड्राइव है, ठीक है, जो सभी इक्विपमेंट है वो आपस में इंटर कनेक्टेड रहते हैं, यानी इंटरलॉक में रहते हैं। ये जो DCF जो देखेंगे तो ये इससे कनेक्टेड रहता है, ये जो है वो इससे कनेक्टेड रहता है, और ये फिर इससे कनेक्टेड रहता है, ये फिर इससे कनेक्टेड रहता है, यानी ये सभी इस तरह से इंटरलॉक में रहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो, कहने का मतलब है कि अगर ये ट्रिप हो जाएगा तो ये ट्रिप नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये इससे कनेक्टेड है तो ये जैसे ही आपका बंद होगा
तो ये भी बंद हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर ये बंद होगा तो ये भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर मान लीजिए आपका आईडी फैन ही अगर बंद हो जाएगा दोनों, ठीक है, अगर दोनों बंद होगा तो इंटरलॉक जो है वो पूरी तरह से एक्ट कर जाएगा। अगर कोई एक अगर ट्रिप होता है तो हमारा बॉयलर जो है वो एक ड्राइव पे भी चल सकता है। ओके, तो उस केस में सभी ट्रिप नहीं होंगे। यहां पर अगर दोनों ड्राइव अगर ट्रिप हो जाते हैं तो भी आपका ये इंटरलॉक पूरी तरह से एक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए अगर दोनों आईडी फैन अगर ट्रिप हो जाए तो ये भी ट्रिप हो जाएगा, ये भी ट्रिप हो जाएगा, ये भी ट्रिप हो जाएगा, ये भी सारा ट्रिप हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं। इसलिए जब कभी भी अगर बॉयलर स्टार्ट किया जाता है, ये आपका पहले आईडी फैन स्टार्ट किया जाता है, फिर आपका जेसिल ब्लोअर स्टार्ट होता है, फिर एसएफएन, फिर पीएफएन, फिर डीसीएफ या कोल फीडर स्टार्ट किया जाता है। ठीक उसी तरह जब बॉयलर को बंद किया जाता है या हॉट बॉक्सअप किया जाता है तो इसके उल्टे सिक्वेंस में जाते हैं। पहले इसको बंद करते हैं, फिर इसको बंद करते हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। अगर पहले ही इसको बंद कर देंगे तो ये आपका सारा जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिक्वेंस को फॉलो किया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग यहां से और जब बंद करते हैं तो यहां से। अब देखिए हर एक ड्राइव का, हर एक इक्विपमेंट का अपना एक अलग सेफ्टी इंटरलॉक होता है, चाहे आपका ट्रिप इंटरलॉक होता है, चाहे आप उसको स्टार्ट परमिसिव बोल लीजिए, यानी कि अगर वो सब जो पैरामीटर अगर नॉर्मल रहेंगे तभी आपका जो है वो ड्राइव हो चाहे इक्विपमेंट हो वो स्टार्ट होगा। ठीक है, इसलिए आप इसे स्टार्ट परमिसिव भी मान सकते हैं, इसे सेफ्टी इंटरलॉक भी मान सकते हैं, या इसे ट्रिप इंटरलॉक भी मान सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले आईडी फैन के बारे में कि आईडी फैन का क्या स्टार्ट परमिसिव है या क्या इसके सेफ्टी इंटरलॉक है। इन सभी में से अगर कोई भी इंटरलॉक अगर आपका हेल्दी नहीं रहा, ओके नहीं रहा, तो आपका ना ही आईडी फैन स्टार्ट होगा अगर बंद कंडीशन में है तो, और अगर मान लीजिए कि अगर रनिंग कंडीशन में है तो अगर कुछ भी एबनॉर्मल होता है, ठीक है, तो आपका आईडी फैन जो है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, यानी कि ट्रिप हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर आईडी फैन को स्टार्ट करना है तो सक्शन डैम्पर और इसका जो डिस्चार्ज डैम्पर है वो क्लोज कंडीशन में होना चाहिए, बंद होना चाहिए। नेक्स्ट जो है कि फैन एंड मोटर बियरिंग टेम्परेचर नोट हाई है, इसमें जो भी फैन होते हैं मोटर होते हैं उसमें जो बियरिंग लगे होता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो हाई नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, और आपका जो मोटर का वाइंडिंग टेम्परेचर है वो भी आपका नॉर्मल होना चाहिए। नेक्स्ट है फैन एंड मोटर वाइब्रेशन नोट हाई, जो फैन है और मोटर है उसका भी अगर वाइब्रेशन जो है वो हाई नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फर्नेस प्रेशर, ओके, तो फर्नेस ना ही हाई होना चाहिए और ना ही लो होना चाहिए। ठीक है, ओके रहेगा तो आपका स्टार्ट भी हो जाएगा, और अगर आपका नॉर्मल रनिंग ऑपरेशन के दौरान अगर आईडी फैन चल रहा है तो अगर ये एबनॉर्मल होता है तो ये भी ट्रिप हो जाता है, कोई भी अगर एबनॉर्मल होगा ना तो ये ट्रिप हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट है आपका इमरजेंसी पुश बटन नॉट प्रेस्ड कंडीशन, आपका जो इमरजेंसी पुश बटन होता है वो प्रेस कंडीशन में नहीं होना चाहिए, दबा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना इसको स्टार्ट परमिशन भी नहीं जाएगा, ये स्टार्ट ही नहीं होगा। और इनकेस अगर ये रनिंग कर रहा ओके, तो आपका इनमें से कोई भी जो पैरामीटर है ये आपका अनहेल्दी नहीं होना चाहिए, एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए गलती से पुश बटन अगर दबा जाए तो ये आपका इंटरलॉक जो है वो एक्ट कर जाएगा और ये बंद हो जाएगा। उसी तरह से फर्नेस प्रेशर एबनॉर्मल हो जाएगा तो भी आपका ये ट्रिप हो जाएगा, या वाइब्रेशन एबनॉर्मल हो जाए या टेम्परेचर एबनॉर्मल हो जाए तो भी आपका आईडी फैन जो है वो ट्रिप हो जाएगा। तो ये इसके आपके अलग से सेफ्टी इंटरलॉक या ट्रिप इंटरलॉक है। नेक्स्ट जो है कि इसके बाद हम लोग अगर आईडी फैन चालू अगर कर लिए हैं तो आपका नेक्स्ट जेसिल ब्लोअर हम लोग चालू कर सकते हैं या वाल्स ब्लोअर। तो इसमें क्या इंटरलॉक और क्या कंडीशन है कि इसको चालू करने के लिए हमारा एक आईडी फैन, चूंकि ये इससे इंटरलॉक है तो कम से कम एक आईडी फैन, आपका दो आईडी फैन होते हैं तो एक आईडी फैन कम से कम चला रहना चाहिए, क्योंकि आप एक भी ड्राइव पे भी अपने बॉयलर को चला सकते हो। ओके, तो आपका कम से कम एक आईडी फैन रनिंग कंडीशन में होना चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कि आपका डिस्चार्ज डैम्पर इसका ओपन कंडीशन में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपका ड्रम लेवल ओके होना चाहिए, ना ही लो हो ना ही हाई हो। नेक्स्ट आपका इमरजेंसी जो पुश बटन है जो यहाँ पर हम लोग देखें वो आपका प्रेस कंडीशन में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका फर्नेस प्रेशर ओके होना चाहिए। ओके, तो अगर ये सब ओके है तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपका ये रनिंग कंडीशन में है तो अगर ये एक्ट कर गया, ये एबनॉर्मल हो गया, तो ये भी आपका बंद हो जाएगा। इनकेस अगर आईडी फैन अगर बंद हो जाता है तो ये भी आपका बंद हो जाएगा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें से कोई भी एबनॉर्मल होगा तो आपका ये बंद हो जाएगा। ओके, आप देखते हैं नेक्स्ट एसएफएन का इंटरलॉक। तो मान लीजिए एसएफएन अगर स्टार्ट करना है तो उससे पहले हमारा आईडी फैन चल चुका है, जेसिल ब्लोअर भी चल चुका है। अब एसएफएन स्टार्ट करने के लिए क्या क्या हमको परमिशन चाहिए, तो आपका कोई भी एक आईडी फैन चला होना चाहिए, आपका जेसिल ब्लोअर चला होना चाहिए, ठीक है, सक्शन और डिस्चार्ज डैम्पर इसका क्लोज कंडीशन में होना चाहिए, आपका ड्रम लेवल ओके रहना चाहिए, फर्नेस प्रेशर ओके रहना चाहिए, इमरजेंसी पुश बटन प्रेस कंडीशन में नहीं रहना चाहिए, फैन एंड मोटर बियरिंग टेम्परेचर या वाइंडिंग टेम्परेचर ये सभी आपका ओके होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो वाइब्रेशन है फैन और मोटर का वो भी
हाई हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी ये भी सब आपका ओके रहेगा तो ही आपका SFN स्टार्ट होगा। और इन केस अगर ये रनिंग कंडीशन में है और ये कोई भी एबनॉर्मल होता तो ये आपका इंटरलॉक एक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपका SFN जो है वो बंद हो जाएगा। अब नेक्स्ट है PFN के बारे में। तो PFN में क्या क्या इंटरलॉक है, तो देखिए इसको चलाने के लिए आपका एनी IDFN जैसल ब्लोअर या SFN रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। जैसे कि हमने ये स्टार्ट कर दिया, ये स्टार्ट कर दिया, ये स्टार्ट कर दिया, तो फिर इसको हम लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, इसका परमिशिव आ जाएगा, ओके आ जाएगा, ओके स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो है कि ये सभी जो टिक देख रहे हैं वो यही सारा पॉइंट है। ओके, जगह थोड़ा कम है इसी वजह से लेंथी हो जाएगा, तो इसको इस तरह से टिक मार दिया, ये सब वही पॉइंट है। ओके, देखिए जैसे दूसरा जो पॉइंट है वही सक्शन डैम्पर डिशार्ज डैम्पर क्लोज कंडीशन में होना चाहिए, ड्रम लेवल ओके होना चाहिए, फर्नेस प्रेशर आपका ओके होना चाहिए, इमरजेंसी पुश बटन प्रेस कंडीशन में नहीं रहना चाहिए, फैन और मोटर का बियरिंग टेम्परेचर या वाइंडिंग टेम्परेचर जो है मोटर का वो आपका हाई हाई नहीं होना चाहिए, वाइब्रेशन आपका ओके रहना चाहिए, वो भी हाई हाई नहीं होना चाहिए। अगर ये सब हेल्दी है तो स्टार्ट परमिसिव आ जाएगा, आप स्टार्ट कर सकते हो। या आप नॉर्मल बॉयलर ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस केस में अगर ये कोई भी एक्ट करता है इंटरलॉक एबनॉर्मल होता है तो आपका PFN जो है वो ट्रिप हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कि DCF, अब ये सभी अगर टाइम स्टार्ट हो गया है तो अब इसको भी परमिसिव चला जाएगा कि हाँ इसको भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ इसमें कई सारे आपके इंटरलॉक दिए रहते हैं, जैसे आपका पहला जो पॉइंट हो गया कि कोई भी एक IDFN चला होना चाहिए, जैसिल ब्लोअर चला होना चाहिए, SFN चला होना चाहिए या PFN चला होना चाहिए, ठीक है। ये सभी अगर चल रहा है तो इसको एक परमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है कि बेड टेम्परेचर और फर्नेस टेम्परेचर जो है वो हाई हाई नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट जो है कि PF फ्लो और या विंड बॉक्स जो प्रेशर होता है वो आपका ओके होना चाहिए। नेक्स्ट है कि ऐसे प्रेशर, ऐसे एयर का जो प्रेशर होता है वो ओके होना चाहिए, ड्रम लेवल ओके होना चाहिए, फर्नेस प्रेशर ओके होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल जो ऑक्सीजन परसेंटेज होता है वो आपका लो नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट जो है कि इंस्ट्रूमेंट एयर प्रेशर नॉट लो, अगर इंस्ट्रूमेंट एयर प्रेशर भी जो है वो लो नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सब हेल्दी है तो आपका DCF हो चाहे कोल फीडर हो उसमें आपका परमिसिव आ जाएगा, उसको भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि ये सब इंटरलॉक है। और अगर आपका DCF या कोल फीडर नॉर्मल रनिंग कर रहा है तो इनमें से अगर कोई भी चीज़ एबनॉर्मल होता है तो आपका DCF जो है वो ट्रैक्शन बंद हो जाएगा। तो लेकिन याद रखिएगा कि अगर ये बंद होता है तो ये बंद नहीं होगा, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है, ओके। इंटरलॉक जो होता है वो इस तरह से आपका जाता है, यहाँ पर आपका ये ट्रिप होगा तो ये नहीं ट्रिप होगा, लेकिन अगर ये ट्रिप होगा तो ये ट्रिप हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर ये ट्रिप होता है तो ये दोनों ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका इंटरलॉक जो है वो वैरी करता है, इसलिए अगर दोनों IDFN ट्रिप होगा तो आपका पूरा जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। उसी तरह अगर मान लीजिए अगर हम कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे SFN ले लेते हैं, तो इनमें से कोई भी SFN जो है वो आपको किसी भी कारण से बंद हो सकता है, इतने सारे यहाँ पर पॉइंट्स हैं, तो अगर किसी भी कारण से अगर बंद हो जाएंगे तो ये वाला बंद नहीं होगा, ये सब इसके बाद का जो इंटरलॉक जो है इसके नीचे वाले वो सब बंद हो जाएंगे, ओके। साथ में इसके अलावा और भी कई सारे इंटरलॉक रहते हैं, ये आपके बॉयलर के डिजाइन और इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है वो आपके ज़्यादा हो सकते हैं या कुछ पॉइंट जो है वो कम भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर इससे कुछ अलग होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि दूसरे लोग को भी हेल्प मिले। तो यही हो गया आज के वीडियो में, जिसमें हम लोग ने जाना कि CABC बॉयलर का इंटरलॉक और प्रोटेक्शन क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।